अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फारिया समी और आप देख रहे हैं मेरा शो फारिया शो। जी खुश आमदीद आपको मेरे शो में। तो जी हमारे शो का फॉर्मेट है सिंगिंग के हवाले से और सिंगर के हवाले से। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिंगर आएंगे जिनको हम तारुफ करवाएंगे आप लोगों से, और आप हमें जो है कॉमेंट्स में उनके लिए बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं हमारे शो के लिए और उनके लिए भी, और जो भी न्यू सिंगर हैं यानी कि जूनियर और सीनियर, उस तमाम सिंगर से हम यहाँ पे मुलाकात किया करेंगे हमारे हर एक शो में। तो जी जनाब, आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सिंगर मौजूद हैं जिनका नाम है शफकत अली साहब। जी तो शफकत अली साहब से हम कुछ करेंगे आज कुछ बातें, और उनसे सीखेंगे हम कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपने सिंगिंग की शुरुआत की और किन मराहिल से वो गुजरे और अब वो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो चलें शफकत अली साहब से कुछ बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी हम आपसे कुछ आज सवाल करेंगे और अपने ऑडियंस को बताएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में किन किन मराहिल से गुजरे अपनी सिंगिंग के लिए, क्योंकि हर इंसान को शौक होता है बचपन से। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको ये शौक बचपन से रहा है या खानदान में, फैमिली में, या कोई दोस्त या कोई सिंगर था जिसको देख कर आपको ये शौक हुआ? मुझे जी शौक तो बचपन से ही रहा है, लेकिन मेरे घर में मेरे बड़े भाई जो है वो सिंगर हैं और अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत दी, उनको देखकर मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। बचपन से ही मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी ऐसा बनूं, क्योंकि उनकी शख्सियत को मैंने अपना आइडियल बनाया। क्योंकि मैं ये समझता था कि जब मैं देखता था कि उनको लोग देखते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो मैं समझता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस वही चीज़ लेकर जहन में मैं चला और मैंने बचपन से ही चाहा कि मैं भी ऐसा बनूं और मैं भी सिंगर बनूं। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था उनको देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कोई किसी अपने को देखकर कुछ बनता है तो वो बहुत ही तरक्की करते हैं, क्योंकि वो अपने बड़े हों या छोटे हों उनसे सीखकर ही जब बंदा आगे जाता है तो ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करता है। अच्छा शफकत अली साहब, मैंने एक आपका एक गाना सुना था एक शो में, कोई दिलरुबा नाम का कोई गाना था, मुझे सही से वो याद नहीं, लेकिन जब मैंने वो सुना था आपने जब गाया था तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो सुन के। तो वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा वो गाना था। तो इस वक्त जो आप बैकग्राउंड पे म्यूजिक सुन रहे हैं सारा, ये जो आपको दिख रहा है, तो मैं इनका जरा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि हमारे जो उस्ताद गुलजार अली खान साहब हैं, ये तबला नवाज जो है इस वक्त तबले पे हैं, और जो उस्ताद नज़ीर हुसैन समो साहब जो हैं, जो हमारे सीनियर सिंगर हैं, तो वो इस वक्त हारमोनियम पे हैं। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहे सारा उनकी तरफ से, उनकी मेहनत है। तो इतने सारे जो है हम सब बैठ के आपके जो मेहनत कर रहे हैं, वो इतने प्यार और मोहब्बत से गा रहे हैं, दिल से गा रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि दिल से ही आप जो है ना हमें कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इस वक्त हम शफकत अली साहब से सुनेंगे दिलरुबा का एक सॉन्ग है वो मेरी फरमाइश पे। तो मैं चाहूँगी कि ये मुझे एक दफ़ा सुना दें ताकि मुझे रिमाइंड हो जाए कि वो कौन सा सॉन्ग था जो मैंने सुना था, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं सुनना चाहूँगी शफकत अली साहब को, क्या आप सुनाएंगे मुझे? जी मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा वो दिलरुबा सॉन्ग, मेरा मेरी कामयाबी का सॉन्ग है। और वो उस्ताद मेरे बराबर बैठे हुए, पोइट्री भी इन्हीं की है और इन्होंने कंपोजिशन करके और रिकॉर्डिंग भी इन्हीं के पास की थी मैंने, और मेरा वो सुपर दुपर कशिश पर सॉन्ग चलेगा। तो वो मैं सिद्धी गाना है मेरा, वो सुनाऊंगा आपको याद आएगा और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। दिलरुबा दिलरुबा खुश हो जाए तो सदा Ah
बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गाना था, बहुत खूबसूरत गाना था, दिल को छू लेने वाला। और ये माशाल्लाह से इनका अपना गाना था, और ये मुझे यहाँ पे पता चला कि इनका अपना गाना था, और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगा ये गाना, और वैसे भी बहुत पसंद था। आज मैंने पूरा ये गाना दोबारा से सुना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कितने एंटरटेन हुए आप, कितने बोर हुए, कितने क्या हुए, मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे बताएंगे जब आप ये सारा शो देखेंगे और सुनेंगे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि किस सिंगर से आप ज्यादा मुतासिर हैं, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर? देखिए जी, वैसे तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत अनेक सिंगर हैं, और बहुत नाम वाले सिंगर हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं माशाल्लाह, और सब उस्ताद घराने से ताल्लुक़ है, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। जहाँ तक मुतासिर की बात है तो मैं जनाब किशोर कुमार साहब से बड़ा मुतासिर हूँ, और मैं उनको चीट भी करता हूँ, उनके गाने भी गाता हूँ, और कुछ परफॉर्म में उनकी अदायगी वगैरह जो होती है वो करता हूँ। और फीमेल सिंगर में भी बहुत बड़े नाम है, मैडम नूरजान, लता मंगेशकर हो गई, आशा जी हो गई, तो ये बहुत बड़े नाम है और बहुत पसंद है मुझे। लेकिन जो मैं मुतासिर हूँ वो रूना लैला साहब से। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हर इंसान का कोई ना कोई उस्ताद होता है, तो आप मुझे बताएं कि आपके उस्ताद कौन है, जिनसे आपने बकायदा सीखा ये है? जी, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मैं गॉड गिफ्टी हूँ, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ये आवाज़ दी है। बचपन से अपने भाई को देख कर, उन्होंने मुझे सिखाया नहीं, लेकिन कहते हैं कि उस्ताद कभी सिखाता नहीं है, अच्छा होनहार शागिर्द उस्ताद को देख कर सीखता रहता है। तो बस मैं उनको देख कर, उनको चीट करते 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 सिंगर बना। बस जो अपनी समझ बूझ थी उससे काम करता रहा, चलते 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 कराची पहुँचे, कराची में शोज़ करने लगे, प्रोग्राम करने लगे, फिर करते करते एक टाइम ऐसा आया कि अमीर इंटरप्राइजेज उस्ताद नज़ीर समो साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो इन्होंने बहुत मुझे गाइड किया, इन्होंने सिंगिंग के बहुत तरीक़ेकार मुझे बताए, सिखाए, तो मेरे उस्तादों में शुमार रहेंगे। बस तो आज इनकी दुआएं हैं और मैं कराची स्टेज पर कामयाब हूँ। उस्ताद आपकी इजाज़त चाहूँगा तो आप सबकी समातों की नज़र
बारे में, तो मैं लाजमी बताइएगा, मुझे बहुत इंतजार रहेगा आप लोगों का।
और चपा साहब मुझे बताएं कि जब आप ये कुछ सुनाना जब सुना रहे थे हमें, तो एक जोश था मैंने आपके अंदर देखा, तो ये मतलब यहाँ से निकलती होगी, दिल से, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ये जिनका जिक्र है वो खुद वजदारी कर देते हैं, और जब भी इनका जिक्र करो तो दिल से करो, जब आप दिल से करेंगे तो आप सातवें आसमान पर होते हैं। रही बात के मुझे जोश मस्ती, तो दूसरे काफी ऐसे सॉन्ग है, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मस्ती ही करूं, तो मैं मस्तियों के लिए ही पैदा हुआ हूं और मैं मस्तियां ही करता हूं स्टेज पर। रोना तो देखिए हर किसी को आता है, लेकिन किसी को हंसाना बड़ी बात होती है, तो बस हमारा भी यही काम है कि हम यहाँ पे बैठ के और आपको जो है कुछ हंसाएं, कुछ रुलाने वाली भी बातें करेंगे, लेकिन हंसाना हम जो है ना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। तो मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेन किया, मेरे अंदर एक जोश सा आ गया था और मैं भी अपने धुन में लगी हुई थी, आप लोगों का मुझे पता ही नहीं, तो ये तो आप मुझे बताएं। चले अशोक आपको आगे बढ़ाते हैं। शौकत अली साहब, आपने जैसे कि मुझे बताया कि कराची आए और कराची में आपने सीखा, तो फिर ये मुझे बताएं कि बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं बेसिक तो सखर से बिलोंग करता हूँ और सखर में ही रहता हूँ, कराची आया, कराची में गाने के लिए भी आया और दूसरा एक भी काम था वो भी करने के लिए आ गया। चले कराची आके दोनों ही काम हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तक कितने शोज कर चुके हैं, मतलब कराची आके, कराची से बाहर भी, सखर, लाड़काना, इतने सारे शहर हैं कराची में, तो कितने शोज कर चुके हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से आपको? मैं जी 15 साल की उम्र से शो कर रहा हूँ और 15 साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ स्टेज पर, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैंने शो किए हैं, तो पाकिस्तान से बाहर जाने का चांस अभी मिला नहीं। उस्ताद बैठे हैं, उस्ताद इंशाल्लाह जरूर दिलवाएंगे पाकिस्तान से बाहर जाने का चांस। चलो हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इस पाकिस्तान से बाहर जाने का चांस दे, तो अपने लक के ऊपर बात होती है। अच्छा मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो सिंगर हो, नॉर्मल इंसान हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, हर इंसान की लाइफ में छोटे बड़े मसले होते रहते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आप कभी नहीं भूलना चाहते हैं या ना भूल पाए और हमेशा वो आपको याद आता है वो वाकया, तो क्या वो वाकया, कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा वाकया ना भूलने वाला? जी ऐसा एक वाकया है जो यहाँ मैं कराची में जब आया तो मुझे मोहब्बत भी हो गई किसी से, तो शादी भी मेरी उनसे ही हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मोहब्बत हुई, तो वाकया वो मुझे वो नहीं भूलता वाकया कि मैं रात को उन्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए गया था, अब शादी से एक दो दिन पहले की बात है, तो अंधेरा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो छुप छुपा था, यू नो आप समझते हैं कि जब नया नया ये माहौल होता है तो कुछ छुप छुपा कर भी कहा होता है, तो वो छुपते छुपाते जब मैं गया वहाँ पर उनको गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट तो मैंने दे दिया, लेकिन वापसी में मैं ये अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे खैर खैर से अपने घर पहुँचा दे। वो उसकी वजह ये थी कि रास्ते में कुत्ते बहुत थे, वो कुत्ते जो है मेरे पीछे पड़ गए और आधी रात को भौंकने लग गए, तो मैं वो वाकया नहीं भूल सकता, वो गिफ्ट मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तो गिफ्ट देने में कामयाब हो गए या उससे पहले ये वाकया हो गया? नहीं, गिफ्ट देकर जब वापस आया तो सोच रहा था आया क्यों देने के लिए, क्योंकि आगे कुत्ते खड़े हुए थे और तो किसी ने रोका नहीं, कुत्तों ने रोक लिया। तो देखिए ऐसे काम आपको करने नहीं चाहिए थे, इतनी जल्दी थी आपको। चल ये भी जिंदगी के सरप्राइज होते हैं, ये भी एक अच्छा वाकया है, बहुत ही अच्छा वाकया, क्योंकि उसमें थोड़ी मोहब्बत भी है और थोड़ा सा जो है ना इनके साथ जो वाकया हुआ वो भी ऑडियंस को समझ में आ गया होगा, उनके साथ भी किसी ने किसी के साथ ये हुआ होगा, और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर किसी का ऐसा वाकया हुआ हो सेम टू सेम। देखें शफकत अली साहब को तो आपने सुन ही लिया और मुझे भी बहुत मजा आया, तो कुछ और सुनना चाहूंगी मैं इनसे, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इनसे कुछ और मजीद सुनूं, कुछ अच्छा सुनूं, और बहुत क्योंकि मौसीकी जो है ना रूह की ग़िज़ा, तो मुझे बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं दिमाग में टेंशन होती है, तो काफ़ी हद तक ये मेरा मानना है कि जब आप मौसीकी की तरफ जा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो काफ़ी जो है दिमाग फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा जो है ना टेंशन है कम हो जाती है, तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है, आप लोगों का मुझे पता ही नहीं। तो चले शक्कर अली साहब कुछ और सुना दें, कुछ अच्छा सा जो आपको बहुत पसंद हो, जो मुझे भी अच्छा लगे, हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगे। जी आप अगर इतने प्यार से कहेंगी तो मैं ऐसे ही आपको प्यार से ही सुनाऊंगा, और स्पेशली जो गजल गा रहा हूँ मेरे उस्ताद अली समो साहब
आपको बताते हैं, खुद बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, मुझे ये गज़ल गवाते हैं, मुझे कहते हैं कि आप ये गाएं अच्छी लगती है। और उस्ताद नवी साहब की जल से ये गज़ल गा रहा हूँ, उस्ताद आपकी जल तो स्पेशली डेडिकेट हमारी आपकी फारिया जो हमारी खूबसूरत होस्ट है, हमारी खूबसूरत होस्ट फारिया, मैं इनको ये गज़ल डेडिकेट करता हूँ। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश में आया तो कह दूंगा मुझे होश नहीं, जब तक कि बिका न था कान था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के शब्द अनमोल कर दिया, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, वाह बहुत अच्छे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है रात यूं गुजार, तेरे कदमों में धड़कने बिछा देंगे, शोक तेरे कदमों में, हम तेरी निगाहों से, हम तेरी निगाहों से आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी। Thank you.
साथ में अपने आए याद नहीं आए, कोई साथ में अपने आए याद नहीं आए। जिंदगी इधर आजा, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे अब साल जितने भी मेरे चाहने वाले ऑडियंस सामने देख रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा और बताइएगा हमें, ताकि आपकी रहनुमाई हमारे लिए और बेहतर से बेहतर होगी, ताकि हम और से आप लोगों के लिए अच्छा कर सकें। अच्छा, एक बहुत बड़ा खूबसूरत हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है फोक के हमारे से पाकिस्तान के दुनिया में उनका नाम है मैडम आपदा परवीन साहब, उनका एक गीत है वो मैं इस नाम आप लोगों को समाप्त करना चाहता हूँ। वाह वाह।
अपने देखने वाली ऑडियंस से और आप लोगों से भी जो भी देख रहे हैं और जो समझदार लोग हैं, बल्कि समझदार ना भी हो तो भी उनके लिए मैसेज यही है कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी नेकियां हैं जो बहुत अच्छी नेकियां हैं, करो, कोई इनकार नहीं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसे ज़िंदगी भर नाराज़ ना करो, क्योंकि आपकी कामयाबी की सीढ़ी असल वही है। अब जाके शायद मैं अब समझा हूँ, शायद पहले देखें जब इंसान बच्चा जवान होता है ये करता, तो उस शख्सियत की हम वैसे भी नहीं करते, वैल्यू भी नहीं रखते कदर में। लेकिन मैं ऑडियंस को और इस दुनिया के हर एक इंसान को, जो इंसान है उसे ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी अपनी वालदा को नाराज़ मत करना, ना उनकी कोई बद्दुआ लेना, ना उन्हें दुखाना। आपकी वालदा ही आपकी कायनात है, आपकी जन्नत है, उसे कभी तकलीफ मत देना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हमारे लिए भी एक पैगाम है, बल्कि वालदा वालदा एक ऐसी जन्नत है जिसे हमें इस दुनिया में तो क्या हम उनका कोई हक अदा कर ही नहीं सकते, कुछ भी करके, कुछ भी करके नहीं कर सकते। अगर हम अपना एक एक कतरा भी बहा दें तो उनका हक हम अदा नहीं कर सकते। माँ ऐसी चीज है कि उसके बगैर तो घर तो कहीं दुनिया ही अधूरी है। तो बहुत ही प्यारा पैगाम इन्होंने आप सबको दिया और हमें भी, तो हमें इस बात पर अमल करना चाहिए। और अगर आपके दिल में दिमाग में हमारे इस शो के हवाले से कोई आइडिया हो, कोई मशवरा आप हम लोग हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, हम आपका बहुत इंतज़ार करेंगे, दिल से इंतज़ार करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे शो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करें। आपके आप हैं तो ये हमारा शो चल रहा है, वरना आपके बगैर हमारे शो का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज हमें जो है सपोर्ट कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई करेगा। आप है तो ये हमारा शो चलेगा, वरना हमारे शो का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे शो को इजाजत दीजिए, अपनी होस्ट फारिया समी को इजाजत दीजिए और फारिया शो मेरा शो देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और जिस तरीके से शक्कर अली साहब ने कहा कि अपनी माँ का ख्याल रखें, तो बिल्कुल अपनी माँ का ख्याल रखें, अपने छोटों का, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का खासतौर पर ख्याल रखें जो आजकल चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट सिंगर के साथ मुलाकात होगी, एक नए इंटरव्यू के साथ मुलाकात होगी। तब तक हम आपके आइडियाज पर भी अमल करेंगे जो आप हमें सेंड करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम जरूर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए फारिया समी यानी कि आपकी होस्ट फारिया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।